सीबीआई ने राजेंद्र कुमार नाम के आईएएस ऑफिसर के दफ्तर पर छापे मारे और वो छापे मारे करते समय ऐसा भी समझ में आ गया कि अरविंद के दफ्तर पे भी छापे मारे थे, कई फाइलें चेक की थी। और उसमें फिर बीजेपी और आप आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। मेरे सामने प्रश्न है कि ये प्रकरण जो है, जो राजेंद्र कुमार जी का प्रकरण है, ये कोई दिल्ली में अरविंद की सरकार आने के बाद नहीं हुआ, ये तो 1.5 साल पहले हुआ है। तो उस टाइम पर क्या बीजेपी को समझ में नहीं आया? सब फाइलें बीजेपी के दफ्तर में थी। वास्तव में उस पर उसी टाइम एक्शन होना जरूरी था कि उस पर 1, 2, 3 कई आरोप है, उसकी जांच करके। तो 1.5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये पहला दोष है। दूसरा है कि अरविंद करप्शन के अपोजिट में लड़ते आए हैं शुरू से, अपने जीवन में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते आए हैं। मैं अरविंद को हमेशा बताया है कि अपने साथ में चारित्र्यशील लोग होना जरूरी है। आपने अभी इतना बड़ा अफसर को अपने दफ्तर में नियुक्त किया, कम से कम ये देखना जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका चरित्र कैसा है, उसका रहन-सहन कैसा है, समाज में प्रतिष्ठा कैसे, ये सोचकर करना जरूरी था। तो पहले बीजेपी का भी दोष है और बाद में अरविंद में भी यहाँ गलती हो गई, अरविंद मतलब उनके सरकार ने। तो आज जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, ये तो राजकीय स्टंट है। मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है, मेरी ऐसी धारणा है कि आईएएस आईपीएस आईएफएस जैसे सनदी ऑफिसर है देश में, जो 68 साल में नहीं हुआ, जो 10 साल में देश बदल सकते हैं, ऐसी स्थिति में एक आईएएस अफसर पर आरोप होना ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे मुझे लगता है।